फॉर्म सबमिट जिसने नहीं करवाया है, जिसके कोई इशू हो रहा है तो वो सबमिट करवा सकता है अगर फिर भी कोई इशू हो। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। सो आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाई हूँ कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। वो गुड न्यूज़ ये है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाने की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, 23 दिसंबर तक आप ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। और अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म KU का भी है और फेडरल यूनिवर्सिटी का भी है, KU की अलग वीडियो है, वो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जिनका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद का क्या प्रोसेस है। देखें, जैसे ये टेस्ट बेस वालों का मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है, और उसके बाद की डिटेल्स आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है कि 2 जनवरी के बाद यहीं वेबसाइट पर पोर्टल पर आपको डिटेल्स बता देंगे। वो इसलिए 2 जनवरी लिखी है क्योंकि आपका ओपन मेरिट वालों की भी 1 जनवरी को जो है वो मेरिट लिस्ट आएगी। ये देख लीजिए शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है, इसमें टेस्ट बेस्ड की 20 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसी तरह आप ओपन मेरिट की जो लिस्ट आएगी वो 1 जन को आएगी। फिर 2 तारीख को इसी वेबसाइट पे आपको तमाम डिटेल्स मिलेंगी कि आपको फ़ीस कहाँ सबमिट करवानी है, फ़ीस के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसकी मैं फिर आपको जब आएगी तो उसकी सेपरेट वीडियो बता दूंगी, ठीक है। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, एक्सटेंड हो गए हैं फॉर्म सबमिट। जिसने नहीं करवाया है, जिसके कोई इशू हो रहा है तो वो सबमिट करवा सकता है अगर फिर भी कोई इशू हो। तो अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी है बैंक में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ अगर वेबसाइट में सबमिट होते हुए मसला आ रहा है तो आप KU जाके भी अपने फॉर्म उनको बता सकते हैं, तो वहाँ पर भी ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा।